टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा मार्केट में आज टीएमसी के अधिकारी व कर्मचारी रोड के किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स पर कार्रवाई करने बिना पुलिस बंदोबस्त के ही पहुंच गए और इस दौरान काफी जमकर हंगामा हो गया। मामला रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था, इसलिए हॉकर मनपा कर्मचारियों को देखकर अपनी गाड़ी लेकर भागने लगे। एक तरफ मनपा कर्मचारी तो दूसरी तरफ हॉकर हाथगाड़ी पकड़कर खींचते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक हाथगाड़ी को एक तरफ से हॉकर खींच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ से मनपा के कर्मचारी खींच रहे हैं। ये कार्रवाई कौसा आइडियल मार्केट के पास में ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचने वालों पर की गई है। इस कार्रवाई के दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मनपा कर्मचारियों का कहना है कि हॉकर्स रोड के किनारे धंधा लगाते हैं, मगर कुछ हॉकर्स बिल्कुल रोड पर ही धंधा लगाने के लिए चले आते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और शिकायत मिलने के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। मनपा ने आज कार्रवाई कई हाथ गाड़ियों पर की और यह हाथ गाड़ी जब्त भी कर ली है। हालांकि इस दौरान हॉकर्स अपनी रोजी रोटी का वास्ता भी देते रहे, मगर मनपा कर्मचारियों ने हॉकर्स पर कार्रवाई कर ही डाली। इस दौरान काफी मनपा कर्मचारी और हॉकर्स के बीच में बहस चलती रही और कार्रवाई के दौरान फ्रूट और सब्जियां भी रोड पर बिखर गई। वहीं मनपा के अधिकारी और कर्मचारी बिना पुलिस बंदोबस्त के ही कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए थे और हॉकर्स मनपा के बीच में काफी झड़प भी यहां पर होने लगी। इस दौरान किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामला जैसे तैसे कर शांत हुआ। उसके बाद फिर मनपा के कर्मचारी अपनी कार्रवाई पूरी किए। आज इस मनपा कार्रवाई के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ, तस्वीरें देखें।